हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स माय नेम निमेज कौशिक एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टी एस सिलियट आज हम बात करेंगे टी एस सिलियट के बारे में और ये आपका सलेबस का हिस्सा है चाहे आप इसे बात करें यू के की या और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं टी एस सिलियट उनमें पूछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं टी एस सिलियट वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स एटीन ऐटी एट अगर आपको ये याद नहीं होता है कि जो टी एस एलियट का जन्म कब हुआ था तो होपफुली मोस्ट ऑफ़ यू वो बॉर्न ऑन यू नो नाइनटीन ऐटी एट आपको नाइनटीन ऐटी एट से जैसे मुझे मैंने याद किया है कि नाइनटीन ऐटी एट में मेरा जन्म हुआ था तो उससे हंड्रेड ईयर्स आप माइनस कर सकते हैं आपका जन्म हो सकता है एटी नाइन में हुआ हो या Uh, 1989 में या 90 में हुआ हो तो इस तरह से आप माइनस कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से या इन केस आपके सिस्टर की ब्रदर की या मदर फादर जिसकी भी uh, जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप याद रख सकते हैं ओके सो दैट वाज इन मिसूरी सेंट लुइस एंड थॉमस सिस्टर नीलियट वाज एन अमेरिकन इंग्लिश पॉइट ये क्या थे जो थॉमस टी एस सिलियर थे वो आपके थे अमेरिकन इंग्लिश नोविट है पोइट हैं एंड प्ले विथ क्रिटिक एंड एडिटर हु वॉज अ लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोयट्री इन सच वर्कस एज द वेस्टलैंड अब अगर बात करें उनकी बेस्ट बुक की जो कि आपकी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्निस्ट मूवमेंट को या मॉडर्न एज को बेस्ट अब यहाँ पर अगर आपको ये बात समझना आ रही हो इन डेप्थ या बिल्कुल क्लियर ना हो रही हो कि जो मॉडर्न एज है उसको देस्ट लैंड कैसे रिप्रेजेंट करती है और इस बात के पीछे मीन्स फैक्ट क्या है तो आप मेरा वीडियो देखिए मॉडर्न एज पे बहुत अच्छा वीडियो मतलब अच्छा तो आप लोग कहेंगे लेकिन मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको वन आवर में मॉडर्न एज के पूरा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको समझना है कि द लैंड टी एस सिलियट की जो है वो मॉडर्न एज क्या है मॉडर्न एज एक्चुअल में क्या है उसे अगर आपको समझना है कुछ उसमें स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए बहुत हेल्प मिलेगी फोर क्वार्ट्रेट्स नाइनटीन फोर्टी थ्री एंड His experiment in diction, style and versification revitalized English poetry and in a series of critical essays he shattered old orthodoxies and erected new ones. To inka So here. वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिकॉज ऑफ his डिक्शन अगर आपको डिक्शन समझ नहीं आता तो डिक्शन का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल जो भी आप लिखते हैं वो आपका डिक्शन होता है कि किस तरह से आप उसे लिखते हैं उन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल essays भी दिए हैं और उन्हों इस जो उनके क्रिटिकल ऐसेज हैं जो रूल्स हैं रेगोलेशन उन्होंने बनाए अपने आ, क्रिटिकल ऐसेज में उन्होंने जो ओल्ड रूल्स थे उनको थोड़ा और जो नए रूल्स थे वो उन्होंने बनाए इसलिए वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में 1948 में उनको दो अवार्ड मिले थे मेरिट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर तो आपको ध्यान देना है कि 1948 में उनको क्या मिले थे दो आ, दो अवार्ड मिले थे पहला मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड सेकेंड था नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर एलियट एंटर्ड हावर्ड इन 1906 एंड रिसीव्ड बीए इन 1909 ही स्पेंड द ईयर 1910 एंड 11 इन फ्रांस अटेंडिंग हेनरी बर्गन्स लेक्चर इन फिलोसफी एट द सॉर्बन एंड रीडिंग पोएट्री विद एलन फॉरर 1911 इलेवन टू नाइनटीन फोटीन ही वॉज़ बैक एट हारवर्ड रीडिंग इंडियन फ़िलासफी ये को ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप देखेंगे द वेस्ट लैंड की लास्ट जो लाइन्स है वहाँ पर आपको ओम शांति शांति एंड संस्कृत के भी आपको जो लाइन्स हैं वो देखने को मिलेंगी तो इंडियन फ़िलासफ़ी उन्होंने कहाँ पर पढ़ी थी हारवर्ड में पढ़ी थी एंड ही स्टडीड दैट बिटवीन नाइनटीन इलेवन इलेवन नाइनटीन फोर्टीन

he never completed his Ph.D. just because, uh, because of World War, and uh, then एंड देन इट ही स्टॉप गोइंग देर एंड ही कुड नॉट रिटर्न टू harvard वो Harvard नहीं जा पाए और अपनी Ph.D. degree, Ph.D. पी एच डी की डिग्री कम्प्लीट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से एलियट जो थे उन्होंने अपने जो करियर हैं, उसमें फोर तरह के करियर्स उन्होंने किए चूज़ फर्स्ट इज एडिटर ड्रामेटिस्ट लिटरेटिक एंड द फिलोसॉफिकल Point. जो उनका फर्स्ट वर्क है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक ये जो वर्क है उनका सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक था ये उनका फर्स्ट मास्टर पीस है मॉडर्निज्म uh, में इट रिप्रेजेंट अ ब्रेक विद इमीडिएट पास्ट एज रेडिकल बैलेट्स इन सेवनटीन नाइन्टी एट जैसा कि लिरकल बैलेट्स ने जो प्रूव किया था और एक इमिडिएट ब्रेक हमें देखने को मिलता है लिरकल बैलेट्स में ओके तो कि अगर हम आ, रोमांटिक जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल चेंज uh, थे उससे पहले के विक्टोरियन पीरियड से एंड लेटर इफ़ यू कैन सी दैट मॉडर्निज़्म जो शुरुआत है वो उसका हम uh, कह सकते हैं कि उसको हम देख पाते हैं टी एस इलियट के वर्क्स में डायरेक्टली फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ इलियट्स फर्स्ट वॉल्यूम पर फ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन 1917 तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहला जो उनकी जो फर्स्ट मास्टर था वो आपका कौन सा था तो वो है आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक और जो सेकेंड था आ, ओके यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्स का जो वर्क है लिरिकल बैलेट्स ज़्यादातर लोगों को याद रहता है तो उसी से आप कनेक्शन बना दीजिए कि जिस तरह से विलियम वर्जवर्थ का लिरिकल बैलेट्स इम्पॉर्टेंट uh, था किसके लिए रोमांटिक पीरियड के लिए उसी तरह से द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड अल्फ्रेड प्रफ्रॉग जो है वो मॉडर्निज्म की शुरुआत उन टी एस इलियट की पोइट्री से यहाँ से शुरू होती है इस तरह से आप कनेक्शन बनाएंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि टी एस इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम था प्रफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन वो कब हुआ था तो वो हुआ था आपका नाइनटीन में और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1917 में उनका फर्स्ट जो वॉल्यूम आया था उसका नाम क्या था तो वो है आपका परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अपियरेंस ऑफ एलियट्स फर्स्ट पोएम फर्स्ट वॉल्यूम परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इन 1917 सेवनटीन वन मे कन्वीनियंटली डेट एंड मेच्योरिटी ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी पोइटिक रेवोल्यूशन सो so, ये जो आपका वर्क है प्रफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो पब्लिश हुआ था आपका 1917 में यहाँ से आप कन्वीनियंटली उसको एक पॉइंट मान सकते हैं कि जहाँ से कि ट्वेंटी सेंचुरी पोइटिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था या मैच्योर हुआ था शुरुआत तो नहीं कहेंगे लेकिन ये मैच्योरिटी डेट आप इसको मान सकते हैं फॉर अयर इलियर टॉट फ्रेंच एंड लैटिन एट दी हाई गेट स्कूल उन्होंने फ्रेंच एंड लैटिन जो पढ़ाई थी वो हाई गेट स्कूल में पढ़ाई थी इस तरह की जो छोटी छोटी फैक्ट हैं ये आपको टी जी ती या पी जी लेक्चर लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इन 1917 सेवनटीन ही बिगेन हिज ब्रीफ करियर एज बैंक क्लर्क इन लॉयट्स बैंक लिमिटेड उन्होंने लॉयड्स बैंक लिमिटेड में भी काम किया था मीन वायल ही रिव्यूअर एंड इन बोथ एंड टेक्निकल लिटरे इन करियर के साथ साथ उन्होंने uh, बहुत सारी चीजों को रिव्यू भी किया था और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका प्रोलिफिक तो प्रोलिफिक मीन्स होता है बहुत ज्यादा लिखने वाला जो बहुत ज्यादा वर्क्स uh, जो लिखता है जो राइटर उसे प्रोलिफिक uh, बोलते हैं जिन्होंने रिव्यू किया होगा क्योंकि आपकी जो वकैबलरी है वो भी आप लोग साथ में करते रहिए रिव्यूअर एसीस्ट थे और उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और टेक्निकल फिलासफी दोनों पर काफ़ी लिखा इन 1919 ही पब्लिश हिज पोइम्स अगेन तो आप देख सकते हैं हमने देखा था कि जो सबसे पहला था वो कब था सेवनटीन में अब क्या है नाइनटीन में ओके विच कंटेंट द पोइम जो जैरेंटिन या जैरनशिन जो भी आपको प्रोनाउंस करना है इसको उसमें ये पॉइंट आई थी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिटेटिव इंटीरियर मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैरन्टाइन है जैरेंशिन है ये जो लिखा गया था ये वर्क किस में लिखा गया था तो दो तरह की सीरीज आपके पास बन रही है देखिए सेवेंटीन नाइनटीन ये पब्लिकेशन डेट आ रही हैं आपकी तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं और जो जेरेंटाइन था ये आपका ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसमें एक चीज और है कि ये इंटीरियर मोनोलॉग भी था ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट डाउन करते हुए चलिए लाइक दिस पोएम हैड अपियर्ड इन इंग्लिश विद द पब्लिकेशन इन नाइनटीन ट्वेंटी टू ऑफ हिज पोएम द वेस्टलैंड ध्यान से देखिए यहाँ से आपका क्या है नाइनटीन ट्वेंटी टू तो सेवनटीन आप देख सकते हैं नाइनटीन एंड देन ट्वेंटी टू में उनका वेस्टलैंड आ गया था बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एलियट वन एन इंटरनेशनल रेपटेशन और जो टी एस एलियट का जी वेस्ट लैंड था उन्होंने पूरा उनको इंटरनेशनल रेपटेशन दिला दिया था उस रीज़न क्या है क्योंकि वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है मॉडर्निज्म को और एक्चुअल में मॉडर्निज्म क्या है मॉडर्निज़्म है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्टेशन कि जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था वो उन्होंने अपने वर्क्स में लिख दिया था जब भी हम किसी एज को एज का रिप्रेजेंटेटिव वर्क लेते हैं तो हम वो रिप्रेजेंटेटिव वर्क उस एज को पर्टिकुलरली परफेक्ट uh, आपका क्या करता है रिप्रेजेंट करता है उसको बिल्कुल उस तरह से शो कर दे उसको हम रिप्रेजेंटेटिव वर्क कहते हैं अगर हम देखें कि पीछे एज ऑफ चौसर में देखें तो आपको पता है कि जैसे कैंटरबरी टेल्स है आपका ठीक है तो कैंटरबरी टेल्स क्या है उस फोर्टीन सेंचुरी का एक बहुत ही अच्छा पेन पिक्चर है इसलिए कैंटरबरी टेल्स क्या है बेस्ट वर्क है उस टाइम का अगर आप आएंगे लिरिकल बैलेट्स तो लिरिकल बैलेट्स में आपको आ, बेस्ट जो थ्योरीज़ हैं पोइट्री की राइट तो रोमांटिक पोइट्री को बेस्ट आ, जो रिप्रेजेंट करता है वो लिरिकल बैलेट करता है इसलिए वहाँ से शुरुआत मानी जाती है अगर आप टी ए सिलियट की ये देश्ट लैंड ले लेंगे तो देस्ट लैंड तो क्या है वो मॉडर्न एज को बहुत अच्छे से दिखाता है अगर आप ये टी ए सिलट का देश्ट लैंड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा है मीन्स आपको समझ कम आएगा या आपको लगेगा कि ये कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें बहुत कन्फ्यूजन है right, तो मॉडर्न एज भी पूरा कन्फ्यूज़न एज ही दिखाई गई है सो so, द वेस्टलैंड हियर विद ग्रेट पावर द डिसमेंट डिसल्यूजनमेंट एंड डिसगस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो वेस्टलैंड है वो क्या शो करती है ये वर्ड्स आप याद रखिए डिसमेंट हो गया डिस्यूजनमेंट की कोई क्लियर चीज किसी के पास नहीं थी और जो डिसगस्ट है चारों तरफ लोगों के मन में वो वर्ल्ड वॉर के बात का तो वो सारी चीज़ें आपको द वेस्टलैंड में देखने को मिलती है इन अ सीरीज़ ऑफ विनेट्स लूजली लिंक्ड बाय द लीजेंड ऑफ द सर्च फॉर ग्रेल इट पोर्ट्रीज़ अ स्टेराइल वर्ल्ड ऑफ बैरन लस्ट एंड ऑफ ह्यूमन बींग्स वेटिंग फॉर सम साइन और प्रॉमिस प्रोमिस ऑफ रिडेम्पशन तो यहाँ पे जो सारे लोग जो हैं मॉडर्न एज के वो क्या कर रहे हैं रिडेम्पशन का इंतज़ार कर रहे हैं दि वेस्टलैंड शोड हिम टू बी इन एडिशन मीट्रेस ऑफ ग्रेट वर्चुअसिटी कैपेबल ऑफ एस्ट्रोनिशंग मॉड्यूलेशन रेंजिंग फ्रॉम दिस सब्लाइम टू कॉन्वर्जेशनल तो ये जो देशलैंड है वो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है अगर आप इसे देखेंगे तो ये सब्लाइम टू कॉन्वर्जेशनल दोनों चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं सप्लाइम मीन्स होता है बेस्ट ओके okay? अगर हम देखें कि जो बेस्ट वर्क है उसे हम सब्लाइम वर्क की कैटेगरी में रखते हैं कॉन्शियसली इंटेंडेड और नॉट इलियट्स क्रिटिसिज्म क्रिएटेड एन एटमोस्फिर इन विच हिज ओन पोइट्री कुड बी बेटर अंडरस्टूड एंड एप्रिशिएटेड देन इफ इट हैड टू अपियर इन आर लिटरी मीलिया डोमिनेटेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीडिंग एज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो खुद के वर्क है वो खुद की क्रिटिसिज्म से हम बेटर समझ सकते हैं इन ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अपियरिंग इन एज फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम उनका जो फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम था उसका नाम था दिस सीक्रेट वुड ये आप आ, नोट कीजिए नाइनटीन में सो so आप लोग देखते हुए चलिए कि आपका 70, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये आपके क्या हैं ईयर्स हैं टी एस एलियट से रिलेटेड तो उनका जो फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम आया था वो आया था द सीक्रेट वर्ड इसी वर्क में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं टी एस सिलियट की पोइट्री एलियट असर्ट्स दैट ट्रडिशन एज यूज बाय द पोइट इज नॉट मेयर रिपीटिशन ऑफ द वर्क ऑफ द इमीडिएट पास्ट राटक कंप्राइजेज द होल ऑफ़ यूरोपियन लिटरेचर फ्रॉम होमर टू दी प्रेजेंट तो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में उन्होंने ये कहा था कि uh, सिर्फ रिपीटिशन ऑफ वर्क ट्रेडिशन नहीं है बल्कि जो यूरोपियन लिटरेचर है वो होमर से और आज तक का जितना है उसे स्टडी करेंगे तो उसे ट्रेडिशनल ट्रेडिशन tradition माना जाएगा द पॉइट Writing in English may therefore make his own tradition by using material from any past period in any language. और उनकी कहने का मतलब था कि जो tradition है, जो tradition उनके according है, वो ये है कि वो किसी एक language पर stick नहीं माना जाएगा। In case मैं English में poetry लिखता हूँ, तो मैं Greek poetry को भी अपना tradition मान सकता हूँ, वहाँ से influence और uh, interest ले सकता हूँ। अपना मोटिवेशन मैं किसी भी लैंग्वेज से ले सकता हूँ टू अदर एसेज ऑलमोस्ट कम्पलीट इन टी एस एलियट्स क्रिटिकल कैनन द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड एन एंड्र्यू मॉवल पब्लिश इन सेलेक्टेड एसेज इन नाइनटीन टू थर्टी जो उन्होंने लिखा था ये भी उनका अपना एक ऐसे है इन दीज एसेज ही इफेक्ट्स अ न्यू हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव ऑन दियर आर् ऑफ इंग्लिश पोएट्री पुटिंग एट द टॉप डन एंड अदर मेटाफिन सेंचुरी एंड लोअरिंग पॉइंट्स ऑफ एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने जो एस एज में अपना बताया था तो उन्होंने हेरारकी में जॉन डर्न और मेटाफि पॉइट्स को टॉप पे रखा था और जो एटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के जो पॉइट्स थे उन्हें नीचे रखा था एलियट वॉज कंफर्म टू इन दर्च ऑफ इंग्लैंड इन नाइनटीन टी से इन दैट ईयर ही ऑल्सो बिकेम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट दी फर्स्ट लॉन्ग पोएम आफ्टर हिज कन्वर्जन वॉज ऐश वे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक चीज़ और है कि आपको नाइनटीन ट्वेंटी सेवन याद रखना है उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम वो क्रिश्चैनिटी से जुड़ चुके थे और जो उनकी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और राइट right? कि उनका जो आफ्टर कन्वर्जन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में वो कन्वर्ट हो गए थे आ, क्रिश्चियनिटी में तो उन्होंने लिखा था एश वेंसडे ऐश वेंसडे उनका वर्क है उनकी पोएम है जो उन्होंने लिखी थी 1930 में और रिलीजियस मेडिटेशन इन अ स्टाइल एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट दैट ऑफ एनी ऑफ द अर्लियर पोएम तो कन्वर्जन के बाद उनकी जो पोएम है वो है एश वेंसडे ये आपका क्वेश्चन आपको याद रखना है दिस एंड सब्सिक्वेंट पोएम्स व रिटर्न इन मोर रिलैक्सड म्यूजिकल एंड मेडिटेटिव स्टाइल देन एनी हिज आलियो वर्क्स और अगर हम बात करें कि उनका जो सब्सिक्वेंट जो भी पोएम्स थी वो ज़्यादा म्यूज़िकल थी अगर आप वेस्ट लैंड को देखेंगे वो म्यूज़िकल नहीं है या पर फ्रॉक एंड अदर ऑब्जरवेशंस ये वाला सीरीज़ देखेंगे जो सेवनटीन में आपका पब्लिश हुआ था तो वो आपका उतना म्यूज़िकल नहीं है लेकिन जो ऐश वेंसडे उनका वर्क है ऐश वेंसडे जो कि 1930 में हुआ था कन्वर्जन के बाद मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि कन्वर्जन के बाद कन्वर्जन कब हुआ था 1927 में आपको ध्यान रखना है ठीक है तो उन्होंने एशवेंसडे पोएम लिखी थी एलियट्स मास्टर पीस इज़ फोर क्वार्टर्स विच वॉज़ इश्यूड एज अ बुक इन 1943 उनका एक जो वर्क है फोर क्वार्टर्स है इसके बारे में बात करेंगे वो नाइनटीन में पब्लिश हुआ था और ये उनका बेस्ट वर्क में से एक है

इन नाइनटीन फोर्टी एट ही ऑफ नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और उन्हें नाइनटीन फोटी एट में जो मिला था नॉबल प्राइज़ भी मिला था एलगेट प्लेज विच बिगिन विद स्विनी एगनिस्ट पब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स उन्होंने स्विनी एगोनिस्ट एक uh, लिखा था जो नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में पब्लिश हुआ था ट्वेंटी सेवन में अगर आप याद होगा आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्वेंटी सेवन में वो कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने थर्टी में क्या लिखी थी अपनी पोएम लिखी थी एश वे तो ये आपका नाइनटीन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन नाइनटीन थर्टी फोर एंड एंड विद द परफॉर्म्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट पब्लिश पब्लिश्ड फिफ्टी नाइन आर द एक्सेप्शन ऑफ द मर्डर इन कैथेड्रल पब्लिश एंडॉर्मड इनटीन थर्टी फाइव इनफीरियर टू लिरिक एंड मेडिटेटिव uh, पोएट्री तो उनका जो वर्क है ये वाला मर्डर इन कैथेड्रल ये भी इम्पोर्टेंट है आपको इसका पब्लिकेशन डेट याद रखना है ऑल हिज प्लेस आर इन ब्लैंक वर्ड्स जो भी उन्होंने प्लेस लिखे हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं ऑफ हिज ओन इन्वेंशन अगर आपको पता होगा कि जो मर्डर इन कैथेड्रल है ये भी रिडेम्पशन के बारे में है ओके सो ऑल हिज प्लेज आर इन ब्लैंक वर्स ये ब्लैक में लिखे गए हैं सारे प्लेज ऑफ़ हिज ओन इन्वेंशन दस ही ब्रॉड पोइटिक ड्रामा बैक टू द पॉपुलर स्टेट यहाँ पे जो पोइट्रिक ड्रामा जो आप कहेंगे एक जेनरा है वो फिर से उसको वापस उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था उसके बाद उनका नेक्स्ट जो वर्क है वो है फैमिली रीयूनियन जो कि नाइनटीन थर्टी नाइन में पब पब्लिश हुआ था मॉडर्न इन कैथेड्रल आर क्रिश्चियन ट्रेजिडीज ये आपकी क्रिश्चन ट्रेजडीज़ हैं दो फैमिली रीयूनियन एंड मर्डर इन कैथीड्रल दोनों के दोनों द फॉर्मर ट्रेजडी ऑफ रिवेंज द लेटर इज़ दिन ऑफ प्राइड तो यहाँ पर जो फैमिली रीयूनियन है ये आपका है ट्रेजडी ऑफ रिवेंज और दूसरा है सिन ऑफ प्राइड मर्डर इन द कैथीड्रल इज़ मॉडर्न मेरिकल प्ले ऑन दी मार्टम ऑफ द थॉमस बैकेट यहाँ पर थॉमस बैकेट जो होते हैं उनको मार देते हैं वहाँ पर फोर नाइट्स जो आते हैं वो uh, थॉमस बैकेट का मर्डर कर देते हैं कैथेड्रल के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इलियट रिटर्न टू राइटिंग प्लेस विद दैवरल कॉमेडी इज डराइव फ्राम ग्रीक ड्रामा और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में उन्होंने बहुत सारे जो प्लेस थे वो ग्रीक ड्रामा से निकाल कर लिखे थे और इलियट्स करियर एज एडिटर वॉज एंसिलरी टू हिज मेन इंटरेस्ट बट हिज क्वाटरली रिव्यू द क्राइटेरियन ही वर्क विद क्राइटेरियन ये आपको याद रखना है क्वार्टरली रिव्यू जो था And was the most distinguished international critical journal of the period. Bahut important fact hai ki Faber and Faber Limited ke mein kiya tha, and uh, from the early 1920s until his death. So he was director in Faber and Faber. from uh, the 1920s onward, Eliot influence as Eliot's influence as a poet and as a critic. इन बोज ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट वॉज इमेंस मीन्स नाइनटीन टवेंटी ऑनवर्ड्स हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट uh, एक uh, क्रिटिक भी थे और एक पोइट भी थे मॉडर्न पीरियड में सो so, ये फैक्ट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी आपका इसमें मैंशन है कि मॉडर्न जो पीरियड है उसमें बहुत ही रिप्रजेंटेटिव वर्क और वर्क उन्होंने दिए हैं सिंस हिस डेथ इंटरप्रेटर्स हैव बीन मार्क मार्केटली मोर क्रिटिकल फोकसिंग ऑन हिज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद अमेरिकन ऑरिजिनिटेस्ट कल्चरल एंड सोशल एंड हिज एक्सक्लूसिवेस्ट नोशन ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑफ रेश लिस्ट ऑफ टी एस इलियट्स इंपॉर्टेंट वर्क इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ से हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था कि ये इम्पोर्टेंट है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक ये आपका मॉडर्न जो राइटिंग है पोइट्री यहाँ से शुरुआत है एंड स्विनी अमंग द इन नाइनटीन नाइनटीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इन नाइनटीन नाइनटीन चार्टी दटाफिजिकल पोइट्री नाइनटीन टवेंटी हेलमेट इट इज हेमलेट एक्चुअली हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ये जो वर्क है इनका हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ऐसे हेमलेट ओके सो हैमलेट जो है यहाँ पर उन्होंने अपना एक दिया था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ओके लेट मी टेल यू कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव आ, क्या होता है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में आ, जो पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी हम किसी प्ले को लिखें या कोई वर्क लिखें तो उसमें हम जिन चीज़ों को शो करें वो उस स्टोरी को अच्छे तरीके से उसका जो मीनिंग है उसे निकालने के लिए मदद करें चलो सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं एक जंगल की ऑलराइट एक वुड की हम एक वुड एक जंगल की बात कर रहे हैं लेकिन जो शूटिंग है वो हम एक ए सी वाले मकान में कर रहे हैं और राइट तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं माना जाएगा यहाँ पे क्या है कि अगर हम वुड की बात करें तो वुड में ही क्या हो शूटिंग हो किसी चीज़ की तो बेटर एक हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहेंगे क्योंकि ऑडियंस को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी बतानी नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली ऑडियंस के पास वो बात चली जाएगी तो यही क्या था उनका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव था कि जो भी स्टोरी जो वर्क में बताई जाए जो ड्रामा हो कोई चीज़ हो तो वहाँ पर प्रॉपरली उस चीज़ को चीज़ों के थ्रू उसको एक्सप्रेस अच्छे से किया जाए यही आपका ऑब्जेक्टिव कोरिव है तो यहां से आपको दो फैक्ट याद हो जाएंगे एक ऑब्जेक्टिव को क्या है दूसरा उन्होंने किस वर्क में उन्होंने दिया था तो वो था आपका हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स और जो हेमलेट है वो शेक्सपियर का है ये आपको ऑलरेडी याद होगा द दैंड ये बेस्ट उनका वर्क है जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का दी होलोमैन हॉलोमैन जो है उन्होंने आ, लिखा था ये भी जब वो रिलीजियस होना शुरू हो गए थे तो उन्होंने हॉलोमैन लिखा था यहाँ पे आपका एक वर्क मैंने आपको बताया था एश वेंसडे ऐश वेंसडे जो है उनका कन्वर्जन के बाद फर्स्ट वर्क था किसमें क्रिश्चियनिटी के लिए लिखा था उन्होंने ठीक है तो आपके दो तीन वर्क हैं जो आप याद रखिए जैसे कि ऐश वेंसडे हो गया और आपका वेस्टलैंड हो गया और मेटाफिज़िकल पोइट्री भी उन्होंने लिखा था क्योंकि okay, ये आपका टर्म भी है लेक्चर एग्जाम में तो ध्यान रखिए सो नेक्स्ट वन इज स्विनी एगेनिस्ट इन नाइनटीन जर्नी ऑफ द मैगी नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एस वेंसडे फोर क्वार्टर्स द रॉक तो आप कुछ आ, एक डायग्राम बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक रॉक ले लिया आपने ओके okay, ये एक रॉक है चट्टान है मर्डर इन कैथेड्रल और एक आदमी को यहाँ पर उन्होंने रॉक से मार दिया है किसने एक फैमिली ने एक एक फैमिली है यहाँ पे ठीक है एक फैमिली है पूरी और उन्होंने क्या कर दिया रॉक से इसे मार दिया है और फिर इस फैमिली ने क्या किया कॉकटेल पार्टी की ओके उन्होंने एक कॉकटेल पार्टी कर दी सीपी में में और जो इस फैमिली का एक क्लर्क था इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए जो है वो एक कलर्क था उस कलर्क को उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा था कॉन्फिडेंशियल था उन्होंने कहा कि ये बात किसी को मत बताना कि हमने कैथेड्रल में एक आदमी को इस रॉक से मार दिया इस फैमिली में ओके okay, और तो इतने सारे आपको याद हो जाएंगे एल्डर स्टेट्समैन स्टेट्समैन मीन्स होता है नेता ओके लीडर तो लेकिन जो ये आ, कौन था ये आपका था क्लर्क इस क्लर्क ने क्या किया कि जाके एक एल्डरली स्टेटमेंट्स को स्टेटमैन को ये बात बता दी जो उन्होंने कहा था कि ओके कॉन्फिडेंशियल उन्होंने सोचा था ये कॉन्फिडेंशियल रखेगा इस बात को ये कलक लेकिन नहीं हो पाया तो इस तरह से ओके एंड देन दिस दिस स्टेटमेंट टुक ऑल फैमिली मैन ये जो फै, पूरी फैमिली को वेस्टलैंड में ले गया वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि में ले गया ओके एंड देन ही टुक मैगी विद एंड देन कुक्ड मैगी देयर और उन्होंने मैगी बनाई वहां पे तो इस तरह से आप एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं पूरे वर्क्स पे और फिर आपको क्या मिलेगा वो वैसे मैं इस पर कर रहा हूँ वर्क आपको फोर्टी टू राइटर्स के लिए इस तरह की स्टोरी मिल जाएगी जल्दी ही लेकिन तब तक आप लोग खुद से भी कर सकते हैं तो होपफुली आपको पूरी स्टोरी की मदद से आपको इसको एट सिक्स टू एट आपको याद हो गएंगे वर्क अब चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक नाइनटीन फिफ्टीन ये आपका वर्क है नाइनटीन फिफ्टीन में आया था अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 1917 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1915 तो 1915 में लिखा गया था और जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था ये परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन के साथ में ओके सो इट अपियर्ड एज़ वन ऑफ द पॉइम इन परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन द लव सॉन्ग अब हम वन बाय वन उनके कुछ पॉइंस को स्टडी करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ़ जे अल्फ्रट परफ्रॉक द टाइटल कम्स फ्रॉम रुडियार्ड किपरिंग्स द लव सॉन्ग ऑफ हर तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो वर्क था द लव सॉन्ग ऑफ़ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक इसका लेना देना था आपका रुडियाड किपलिंग की पोएम से वहाँ से उन्होंने इसका टाइटल लिया था द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल ओपनिंग लाइन थी इसकी लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अटराइज अपॉन अ टेबल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूछी जाती है ये फर्स्ट पब्लिश इन जून इन फिफ्टीन ये आपकी पब्लिश जो सिंगल ये पब्लिश हुई थी और 1915 में हुई थी जो कलेक्शन के साथ में पब्लिश हुई थी वो 17 में हुई थी और लिखी ये गई थी 1915 में ही तो ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अदरवाइज कि तीनों चीज़ें एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 1915 में ये लिखी गई थी और पब्लिश भी हुई थी लेकिन सिंगल एज अ पोइम हुई थी और जो ये कलेक्शन थी परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस ये जो कलेक्शन था इसके साथ में भी ये आई थी डोमैटिक मोनोलॉग यूज़ हुआ है इसमें ये डोमेटिक मोनोलॉग है डोमेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि एक तरह सा मोनोलॉग है कि मीन्स कोई एक सिंगल आदमी अपने जो थॉट्स हैं उनको बोलता है या उनको एक्सप्रेस करता है डिस्क्राइब एज ड्रामा फॉर लिटरेरी एंग्वेज और इसको एज अ ड्रामा भी बताया जाता है डेडिकेटेड टू प्रफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेश्स टू जिन वर्डनटल यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो ये वर्क था ये जीन वर्ड वो डेंटल को ये क्या किया गया था डेडिकेट किया गया था तो यहाँ पे दो तीन इम्पॉर्टेंट हैं एक हो गया आपका कि ये डेडिकेशन किसको था ये इसका जो टाइटल था वो कहाँ से लिया गया है इसकी ओपनिंग लाइन आप याद रखिए ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था इसमें और ऑब्जर्वेशन ये आ, जो उनका पूरा एक वॉल्यूम आया था नाइनटीन में उसमें भी ये था

उन्होंने कुछ साल बाद इसका जो टाइटल था उसे चेंज कर दिया था लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक फर्स्ट पब्लिश इन शिकागो मैगजीन पोइट्री नाइन जून नाइनटीन तो ये जून नाइनटीन में पब्लिश हुआ था प्रफ्रॉक लीटर हेडलाइन एलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री प्रफ्रॉक एंड अदर ऑब्जरवेशन्स नाइनटीन सेवनटीन और इसको बाद में पब्लिश किया गया था फिर दोबारा और जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी उनकी वो थी आपकी प्रोफ्रॉक एंड अदर 1917 इसमें भी इस पोएम को पब्लिश किया गया था कलेक्शन दी मॉडर्निस्ट पोइट टू बी रैक विद्रॉक डिटेल्ड मेनी ऑफ द टेक्निक्स एंड थीम्स दोइम इज वेरी मच यंग मैं वर्क दो इट्स स्पीकर थ्रू मोनोलॉग इज प्रमरी प्रिजूमेबली मिडिल एज मैन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है आपका जो स्पीकर है आ, वो एक यंग मैन की वॉइस में या उनके थॉट में लिखा गया है लेकिन जो यहाँ पर जो डोमेटिक मोनोलाग है उससे मिडिल ऐज्ड मैन हमें जो अल्फ्रेड प्रफ्रॉक है वो एक मिडिलज्ड मैन है नेम एककोज एलियट्स स्टाइल एट द टाइम ऑफ साइनिंग हिज नेम टी स्टर्न एलियट एंड वी कैन अज्यूम दैट एलियट शेयर एटलीस्ट सम परफरास एंगजाइटी ओवर वूमेन दो ही क्लियरली स्टैराइज प्रफ्रॉक्स neurosis and thus his own at point his poem. तो यहाँ पर जो प्रफ्रॉक है वो एक्चुअल में टी एस एलियट को ही रिप्रेजेंट करता है और उन्होंने खुद को भी टी प्रफ्रॉक की को लेकर खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है ऑल द प्रफ्रॉक द नेरेटिव वॉइस ऑफ मिडल एज मैन एलियट इनफैक्ट कम्पलीटेड दिस पोएम नाइनटीन इलेवन वैन ही वॉज नॉट क्वाइट ट्वेंटी थ्री जब उन्होंने ये मिडिलज एक मैन की आप कह सकते हैं स्टोरी है थॉट है लेकिन उस टाइम इलियट खुद ट्वेंटी थ्री के थे और उन्होंने ये जो पोएम लिखी थी कम्प्लीट कर दी थी वो नाइनटीन इलेवन में उन्होंने इसको कम्प्लीट कर दिया था दी पॉइंट डिस्क्राइब्स द स्पीकर एलिनीशन एंड डिस्यूजनमेंट इन आ लोनली अपन सेटिंग यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे एलिनिएशन हो गया डिस एल्यूजनमेंट हो गया ये आपके मॉडर्निजम के पार्ट हैं क्योंकि सो ये पॉइंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है एलिनिएशन और डिसल्यूजमेंट को एलिनिएशन मीन्स होता है किसी चीज़ से ब्रेक होना अलग हो जाना So the epigraph from Dante's Inferno suggests that what is said in the poem is not meant for the ears of anyone in the world, and it may also imply that Profrog considers himself to be in a kind of modern hell. So Profrog hai vote modern. मॉडर्निज्म से जोड़कर देखता है द पोएम स्टोन इज कन्फेशनल प्रोफ ये भी पूछा जाता है आपको कि जो टोन है वो कौन सी है तो आपकी जो अगर uh, टी एस सिलियट की प्रफ्रॉक वाली पोएम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये कन्फेशनल पोएम है पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव एज प्रफ्रॉक टेक्स स्टॉक ऑफ हिज लाइफ एंड अटेम्प्ट्स टू आंसर सम ओवरवेलमिंग वेल द पोएम इज कॉमनली रेड एज मॉडर्निस्ट टेक्स्ट बिकॉज ऑफ़ इट्स पोर्ट्रियल पर एलिनीशन सजेस्टिंग ऑफ मीनिंगसनेस ये आपको ध्यान देना है चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से कि मॉडर्निज्म एक्चुअल में है क्या है कि मॉडर्निज्म है आपका मीनिंगसनेस हो क्या रहा था कि जो आ, अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के को देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जितने भी यूथ थे जितने भी लोग थे एक्चुअली जो वर्ल्ड था वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था ध्यान से सुनिए इसको अगर आपको मॉडर्निज़्म को थोड़ा सा समझना है तो क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो uh, सारी कंट्रीज़ थी साइंस थी वो बहुत तेज़ी से क्या हो रही थी ग्रो uh, कर रही थी तो लोगों के जो सपने थे ड्रीम्स थे वो बड़े बड़े थे लोग सोच रहे थे हम बिजनेस में ये करेंगे हम लाइफ में ये कर लेंगे ये अचीव कर लेंगे और सडनली क्या होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो आप ये समझिए कि बहुत सारे डेथ्स होती हैं हर घर से कोई ना कोई मरता है तो अचानक सभी को जो लाइफ है वो बिल्कुल मीनिंगलेसनेस लगने लग जाती है मीनंगस लग जाती है कि आ, समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये जो वर्ल्ड है ये क्या हो गया है राइट right? आपको हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है वॉर ओके okay, अगर आप देखेंगे कि आप उस टाइम अगर इमेजिन करेंगे ब्रिटेन इटली अमेरिका रशिया तो वहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि हर टाइप हर तरफ बॉम्बार्डिंग हो रही है लोग मर रहे हैं आ, लोगों के सारे सपने क्या हो चुके हैं जितने ड्रीम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थे वो वो सारे शैटर्ड हो चुके हैं इसलिए क्या हो रहा है एलिनिएशन हो हो रहा है लोगों को फील हो रहा है कि हम हम कहाँ हैं उन्हें अपना एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है और लाइफ जो है वो मीनिंगलेस लग रही है इसलिए हम कहेंगे कि जो जो पोइट्री है इस टाइप की इस टाइम की वो क्या शो करेगी अगर कोई पोइट्री बेस्ट मीनिंगलेसनेस लाइफ का दिखा देती है तो बेस्ट वर्क माना जाएगा तो यही चीज़ें हमें टी एस एलिएट के वर्क में देखने को मिलती है इट इज़ ऑल्सो नोटेबल फॉर इट्स सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ फ्री वर्ड्स इन सिग्निफिकेंट अल्यूजन यहाँ पर हमें ये भी फ्री वर्ड्स भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है अगर हम कैरेक्टर देखें इसमें तो जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक इसमें मेन कैरेक्टर है ये भी क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है हमने वैसे हमने देख लिया है पिछली पिछले पेज में कि जो इसमें स्पीकर है नैरेटिव है वो क्या है एक टिमिड है ओवर कॉशियस है और ये एक मिडिल एज मैन है साइलेंट लिस्नर थ्रू स्ट्रीट इन शैबी पार्ट ऑफ द सिटी पर आपको जो परफ्रॉक है वो कहाँ बैठा हुआ है वो बैठता है आपका होटल और रेस्टोरेंट में जहाँ पर कि वो कुछ लेडीज को बात करते हुए देखता है लेकिन क्योंकि वो खुद क्या है एक टिमिड है वो हेजिटेंट है तो वो ख़ुद उनसे बात नहीं कर पाता और उसे लगता है कि वो मीन्स ख़ुद को एक तरह से बेवकूफ़ प्रूफ कर लेगा दूसरा जो है वो है आपका लिसनर एन अनआइडेंटिफाइड कंपेनियन ऑफ प्रफ्रॉक इसमें जो लिसनर है वो अनआइडेंटिफाइड है मीन्स अगर आप इस पोइम का हम एक ड्रामा की तरह ले लें तो इसमें एक प्रफ्रॉक है जो बात कर रहा है और दूसरा कौन है वहाँ पर एक लिसनर भी है लेकिन इसको बताया नहीं गया है कि ये एक्चुअल में कौन है जो है, वो हो सकता है कि प्रफ्रॉक का ही खुद इनर सेल्फ हो वन दैट प्रॉट हिम बट फेल्स टू मूव हिम टू एक्शन वुमेन कुछ इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, वुमेन भी हैं। सोशल गैदरिंग में है जो वुमेन है वो कहाँ पे है सोशल गैदरिंग में प्रफ्रॉक वुड लाइक टू मीट वन ऑफ देम बट वर इज़ दैट शी विल लुक डाउन ऑन हिम प्रफ्रॉक उनमें से एक से मिलना चाहता है लेकिन वहाँ पर नहीं जाकर उससे बात नहीं कर पाता है शेयर नहीं कर पाता अपनी चीज़ें क्योंकि उसको लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करेगी द लोनली मैन इन शर्ट स्लीवस लीनिंग आउट ये आपका अगला जो कैरेक्टर है इसमें वो ये है लीनिंग आउट ऑफ दिया विंडोज द स्मो पाइप्स Uh, ज वहाँ पर कुछ लोनली जो हैं कुछ uh, हम कह सकते मैन वहाँ पर हैं आ, वो सभी पाइप स्मोक कर रहे हैं दे आर लाइक प्रफ्रॉग इन दैट दे लुक अपॉन अ सीन बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट वो सभी वहाँ पर देखते हैं बट uh, किसी की तरफ वो जाकर बात नहीं करते हैं सभी लोनली हैं दे स्मोक फ्रॉम देयर पाइप हेल्प फ्रॉम हेज ओवर द सिटी द हेज दैट द मेटाफर फॉर टिमिट कैट विच फ्रॉक और वो यहाँ पर जो हेज है वो मेटाफर की तरह यूज किया गया है जो धुआँ है वो प्रफ्रॉक को रिप्रेजेंट करता है अब इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं पूरे जो वर्क है 131 लाइंस में इसे लिखा गया है दी अल्फ्रेड परफ्रॉक प्रिज़ुमेबली मिडिल एज इंटेलेक्चुअल इंड डिसव मैन इनवाइट द रीडर अलॉन्ग विद हिम थ्रू द मॉडर्न सिटी वो मॉडर्न सिटी की एक वो कहता है कि मैं आपको पूरी मॉडर्न सिटी दिखाता हूँ और उसका ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूँ ही डिस्क्राइब द स्ट्रीट सीन नोट्स अ सोशल गैदरिंग ऑफ वुमेन डिस्कसिंग रनिशा आर्टिस्ट माइकल एंजिलो तो आपको ध्यान रखना है कि वो वहाँ पर बात किसके कर रहे हैं जो स्टोरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका जो प्रफ्रॉक है और प्रफ्रॉक क्या कर रहा है वो कह रहा है कि मैं आपको सिटी के सीन्स दिखाता हूँ सिटी में जब जाता है तो वो एक गैदरिंग में ले जाता है जो कि वहाँ पर कुछ वुमेन हैं वो बात कर रही हैं और वो बात किसके बारे में बात कर रही हैं और रूनेसा के बारे में बात कर रही हैं सॉरी uh, रुनेसा आर्टिस्ट माइकल एंजिलो के बारे में बात कर रही है जो वहां पर एक आर्टिस्ट माइकल एंजिलो था और रुनेसा में उसके बारे में बात हो रही है ही डिस्क्राइब्स येलो स्मोक एंड फॉक आउटसाइड द हाउस ऑफ गैदरिंग एंड कीप्स इंसिस्टिंग दैट देयर विल बी टाइम टू डू मेनी थिंग्स इन दि सोशल वर्ल्ड वो वहाँ पर गैदरिंग के बारे में बात करता है येलो स्मोक के बारे को डिस्क्राइब करता है परफ्रॉक एगनाइज ओवर द सोशल एक्शंस वरिंग ओवर हाउ अदर्स विल सी हिम परफ्रॉक जो है वो थोड़ा एगनाइज है दुखी है आ, अपने सोशल एक्शन से क्योंकि वो हमेशा परेशान रहता है कि लोग उसको किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे ही थिंक्स अबाउट वुमेंस आर्म एंड परफ्यूम वो वुमेंस uh, के हाथों के बारे में बात करता है परफ्यूम के बारे में बात करता है बट डज नॉट नो हाउ टू एक्ट लेकिन उसको खुद समझ नहीं आता कि वो वहाँ जाकर बात कैसे करे ही वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट एंड वॉच इज़ लोनली मैन लीनिंग आउट देर विंडोज़ वो बहुत सारे यूथ uh, को देखता है जो कि अपने विंडोज़ से नीचे झांक रहे हैं The day passes at the social engagement, but he cannot muster the strength to act, and he admits that he is afraid. और वो खुद कहता है कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं किसी वुमेन के पास जाकर बात कर पाऊँ प्रफ्रॉक वंडर्स इफ आफ्टर वेरियस सोशल जेस्टर्स इट वुड है रिजेक्शन ऑफ एम और वो सोचता है कि इनकेस मैं यहाँ से जाता हूँ और वो से बात करता हूँ तो, क्या नहीं हूँ प्रिंस यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि देखो माइकल एंजिलो के बारे में बात हुई है यहाँ पर आप पूछा जाएगा कि क्या वहाँ पे हेमलेट या, या किंग लिया, किसको उसने मैंशन किया है तो उन्होंने मैंशन किया हैमलेट को है है? बट अ सेकेंडरी कैरेक्टर इन लाइफ वो कहता है कि वो एक प्रिंस हैमलेट की तरह नहीं है वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है वरिड ओवर ग्रोइंग ओल्ड वो बूढ़ा हो रहा है उससे उसे चिंता है ही अडोप्ट दी फैशंस ऑफ यूथ और वो इसलिए जो उस टाइम के यूथ हैं उनका फैशन अडोप्ट करता है बाय द बीच ही सीज इमेजेस ऑफ मरमेट्स सिंगिंग एंड स्विमिंग और जब वो बीच पे जाता है तो उससे मरमेट्स देखने को मिलती हैं बीच पर उसे मरमेड्स सिंगिंग एंड स्विमिंग दिखाई देती है अब हम थीम्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें थीम्स कौन कौन सी हैं अगर मैं टी जी टी -जी टी लेवल की बात करूं तो यूजुअली थीम्स नहीं पूछी जाती हैं फैक्ट वाइज पूछा जाता है बट फिर भी अगर आप थीम्स देखेंगे तो आपको शॉर्ट में इसके थीम्स भी देख लेते हैं लोनलीनेस एंड एलिनिएशन अगर आपको जैसे ही ये वर्ड्स बोले जाएंगे लोनलीनेस एलिनिएशन इन डिसीजन कि क्या होगा कैसा होगा और लाइट right? ये इन ऑफ द पॉइंट ये सारी चीज़ें आपको किस तरफ को ले जाएंगे मॉडर्न ओके okay, ये अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको मॉडर्न एज बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी इनएडिक्वेसी और चीज़ें आपको इनएडिक्वेट लगेंगी इनडिसिव लगेंगी लोनलीस लगेगी आप खुद सोचिए अगर हमारे चारों तरफ सिर्फ वॉर का हो चारों तरफ लोग मर रहे हों और चीज़ें हो रही हो फैमिली वालों की डेथ हो रही हो तो कैसा फ़ील होगा उस टाइम पे तो अगर आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न एज क्या है या मॉडर्न जो राइटर्स हैं वो ऐसा क्यों लिखते हैं या उन्होंने ऐसा क्यों लिखा उस टाइम पे तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और जो चौथी चीज है आपकी वो है आपकी पैसमिज्म पैसमिज्म भी हमें यहाँ देखने को मिलता है तो ये जो चारों वर्ड हैं ये चारों वर्ड ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्निस्ट पोइट्री के इसीलिए जो जे अल्फ्रेड पर फ्रॉक पोएम है वो क्या आपकी मॉडर्निज्म को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है अब कुछ हाईलाइटर पोएम्स देखते हैं टी एस एलियट्स के जो है ऑरिजिनली इंटाइटल द पॉइम पर फ्रॉक अमंग वुमेन हमने ये पीछे भी देख चुके हैं कि उन्होंने परफ्रॉक अमंग वुमेन इसका नाम रखा था उन्होंने टाइटल चेंज कर दिया था टाइटल का नाम दी लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड परफ्रॉक रख दिया था जब उन्होंने फिफ्टीन नाइनटीन फिफ्टीन में ही इसको चेंज कर दिया था जैसा मैंने कहा था 1915 में उन्होंने इसे पब्लिश किया था लेकिन एज अ सिंगल पोएम किया था अगर हम बात करें 17 में तो 17 में उन्होंने इसे कंप्लीट एक पोइट्री के साथ में उन्होंने इसको पब्लिश किया था द दर्ल्ड जो है लव सॉन्ग जो है वो सीम फॉर वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लव सॉन्ग ऑफ नेरेटिव पोएम एंड ऑफ कोर्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक इज अ अरेटिव प्रेजेंटिंग अ मोवमेंट ऑफ लाइफ इन अ टाइटल कैरेक्टर जो प्रफ्रॉक ये जो पोएम है ये जे अल्फ्रेड परफ्रॉक की जो कैरेक्टर है उसके लाइफ का है इट इज़ ऑल्सो अ पोएम ये नैरेटिव होने के साथ साथ एक पोएम भी है इन एडिशन द वर्क हैज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट लव सॉन्ग्स सच एज रिपिटिशन राइम एंड रिदम इट ऑल्सो फोकसज ऑन दी वुमेनली लव एंड दैट एलियूट्स प्रोफ्रॉक जो प्रोफ्रॉक है उसकी जो एक हम कह सकते हैं उनका एक इंटरनल जो क्वालिटी है वो शो होती है एलियट टुक द लास्ट नेम ऑफ द टाइटल कैरेक्टर फ्रॉम दिस साइन एडवर्टाइजिंग विलियम परफ्रॉक फर्नीचर कंपनी यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिला है वो आपका है कि उन्होंने विलियम परफ्रॉक फर्नीचर कंपनी से ये क्या लिया था एडवरटाइजिंग से उन्होंने इस कैरेक्टर को लिया था अब बिजनेस इन एलियट्स होम टाउन सेंट लुइसी वेयर ही वॉज ग्रोइंग अप द इनिशियल मीन्स एक कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट था उसमें लिखा हुआ था विलियम प्रफ्रॉक फर्नीचर कंपनी और उन्हें वहीं से आइडिया मिला उन्होंने कहा कि चलो इस पर एक पोइम लिखते हैं द इनिशियल जे एंड नेम्ड अल्फ्रो अल्फ्रेड आर इन्वेंशंस और उन्होंने जो जे एंड अल्फ्रेड लिखा था वो उन्होंने प्रफ्रॉक के आगे लगा दिया था प्रोबेबली मिमिकिंग दे इलियट्स ओकेजनली साइंड हिज नेम एज़ अंग एडल्ट टी स्टर्न एलियट

कि एक जो कैरेक्टर होता है एक जो नैरेटर होता है स्पीकर होता है वो क्या करता है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बोलता है एक लिसनर के सामने मींस यहाँ पे दो आदमी होते हैं और एक बोल रहा है लेकिन वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बता रहा है जो लिसनर है इसका हमें नहीं पता होता है कि आ, ये कौन है जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच एंड अदर वर्क्स को करेंगे बिकॉज दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग स्टिल ये फोर्टी एट मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है तो uh, मैं आपको इसको सेकेंड पार्ट में आपका पूरा टी एस सिलियट कम्प्लीट कर लेंगे एंड यू नीड नॉट टू स्टडी टी एस सिलियट फ्रॉम एनी अदर सोर्स आपको टी एस एट और सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल कि आपको नहीं लगता कि आप uh, जो पूरी पोएम्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी पोएम्स पढ़ सकते हैं So see you in next video in next part.